आज मैं आपको लेके आया हूँ दिखाने के लिए 24 घंटे मिलने वाला सबसे लोडेड, सबसे जूसी और सबसे टेस्टी द हंग्री मैन का ये शवरमा। भाई जहाँ रोजाना बल्क क्वांटिटी में ये चिकन और कई हजारों ये फ्रेश पीटा बना के इसे तैयार किया जाता है। भाई कहते हैं इसके अलावा यहाँ का ये क्रिस्पी चिकन प्लेटर और ये जूसी मोमो भी आप मिस नहीं कर सकते। आइए फिर चलते हैं और आपको दिखाते हैं किस तरीके से इसे तैयार किया जाता है और क्यों द हंग्री मैन का शवरमा सबसे टेस्टी शवरमा है पूरे के पूरे दिल्ली NCR में। तो ये देखिए यहाँ पे जो शॉर्मा है वो लगना अब शुरू हो चुका है और आप देख सकते हैं कितनी सारी क्वांटिटी में यहाँ पे जो शॉर्मा है वो सीख पे लगाया जा रहा है। एक एक करके सारे का सारा जो चिकन है, जो चिकन ब्रेस्ट रहती है, वो यहाँ पे इस सीख पे लगाई जा रही है। और ज़रा आप मैरिनेशन देखो भाई, ये जो मैरिनेशन आप देख रहे हो इसको लगभग 8 से 10 घंटे लगते हैं बढ़िया से, जिसके अंदर चिकन मैरिनेट होता है। मसाले आप जरा चेकआउट करो कि कितने बढ़िया इनके जो मसाले हैं उसके अंदर ये चिकन को मैरिनेट करते हैं और उसके बाद एक एक करके सारी की सारी सीख पे ये चिकन भर देते हैं। 10 से 12 किलो का मैरिनेशन रहता है एक टाइम पर चिकन का और देखते ही देखते जो मैरिनेशन है ना वो बढ़ता चला जाता है। शायद ही आपको पूरे दिल्ली NCR में शॉर्मा की कोई ऐसी दुकान मिले जहाँ पे 24 घंटे आप चिकन शॉर्मा इंजॉय कर सकते हो। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही लाजवाब और इतना टेस्टी और जूसी है कि मतलब एक बार आप आइए तो सही, खाइए तो सही और उसके बाद आप बाकी सारी जगहों का स्वाद जो है ना वो भूल जाएंगे। तो ये देख सकते हैं आप किस तरीके से सीख पे जो चिकन है उसको 1 by 1 करके लगाया जाता है और तब तक लगाया जाएगा जब तक ये टिल द टॉप जो है वो भर नहीं जाता। ये देखो भाई साहब यहाँ पे सारे का सारा जो चिकन है ना वो लग चुका है यहाँ पे और अब इसको लगाया जाएगा यहाँ से बढ़िया में ग्रिल करने के लिए। क्वांटिटी आप चेकआउट कर सकते हो, मैरिनेशन आप चेकआउट कर सकते हो और कितना लाजवाब यहाँ पे ये चिकन लग रहा ना भाई, वो भी आप यहाँ चेकआउट कर सकते हो। अब इसे लगेंगे लगभग 30 से 35 मिनट तैयार होने के लिए और उसके बाद द हंग्री मैन का सबसे स्पेशल द चिकन शॉर्मा जो है वो रेडी हो जाएगा। ये देखिए, अब ये देखिए भाई यहाँ पे की जाएगी गैस ऑन और अब ये होगा ग्रिल। लगभग लगेंगे इसमें 30 से 35 मिनट ग्रिल होने में और ये जितना भी चिकन आप यहाँ देख रहे हैं ना ये सारे का सारा बढ़िया तरीके से ग्रिल हो जाएगा, जूसी हो जाएगा और इसका स्वाद तो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि मतलब यहाँ पे आने के बाद ही आपको समझ आएगी कि क्यों द हंग्री मैन का चिकन शॉर्मा जो है ना वो वन ऑफ द बेस्ट है इन गुड़गांव या फिर दिल्ली NCR की अगर बात करूँ। ये देखिए तो भाई यहाँ कितनी सारी क्वांटिटी में चिकन तैयार किया जाता है वो आपके सामने छोटा सा मोइना मैं दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे रॉड पे भी चिकन तैयार हो रहा है और यहाँ पे अब ये देखिए ये आ गया यहाँ पे चिकन तवे पे तैयार होने के लिए। अब इसे प्याज टमाटर मसालों के साथ बनाया जाएगा, तैयार किया जाएगा और भाई ये प्रोसेस देख के ही आपकी जो भूख है ना वो इतनी बढ़ने वाली है कि मतलब शॉर्मा खाने के शौकीन मेरी इस बात से एग्री 100% करेंगे। देखिए भाई, तो ये देखिए फाइनली जो चिकन की कुकिंग है वो यहाँ पे तैयार हो चुकी है और अभी जो चिकन है वो उतारा जा रहा है नीचे यहाँ तवे के ऊपर पूरा इसको वेल्डन करने के लिए, यानी कि 100% कुक करने के लिए। अभी आपको रॉ लग रहा है लेकिन जैसे जैसे इसको कुता जाएगा मसालों के साथ, प्याज टमाटर के साथ, उसके बाद जो इसकी जूसेज है जब ये रिलीज़ करेगा ना तो भाई देख के आपको इतना ज़्यादा स्वाद आ जाएगा, भूख लग जाएगी कि मतलब आपका मन करेगा बस स्क्रीन के अंदर घुस जाएँ और इनका चिकन शॉर्मा अभी के अभी खा लें। तो आइए अब आपको पूरा प्रोसेस दिखाता हूँ जिस तरीके से यहाँ पे जो चिकन शॉर्मा है उसको तैयार किया जाता है और आप यहाँ देख सकते हैं कि सारा का सारा जो चिकन है अब वो कुक होना स्टार्ट हो चुका है यहाँ तवे पे। क्वांटिटी आपके सामने इतनी बल्क क्वांटिटी है शायद ही आपको पूरे गुड़गांव के अंदर जो चिकन शॉर्मा कहीं और बनते हुए दिखे। और सबसे खास बात इनके चिकन शॉर्मा की है तो स्वाद है ही है, उसके अलावा ये 24 घंटे उपलब्ध है, 24 आवर आपको चिकन शॉर्मा मिलता है ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों। तो देखिए जी ये वो स्टेज आ चुकी है जहाँ पे अब इसमें डाले जाएंगे प्याज और प्याज डालने के बाद अब इसे तैयार किया जाएगा बढ़िया तरीके से और भी मसालों के साथ, टमाटर के साथ, जब तक ये बढ़िया से जो रेडी नहीं हो जाती है। देखिए अब इसमें आएंगे टमाटर, क्या बात है वाह। अब ये देखिए जी जो चिकन है वो बढ़िया से पकाया जाएगा, रॉड जो है वो दूसरी मशीन पर ट्रांसफर कर दी गई है क्योंकि अब उसकी बाकी की कुकिंग की जाएगी दूसरी तरफ और अब यहाँ पे ये पूरा का पूरा प्रोसेस है वो कुक किया जाएगा चिकन प्याज और टमाटर का। ये देखिए क्या बढ़िया लग रहा है भाई, बहुत ज़्यादा जूसी है, बहुत ज़्यादा टेस्टी और देखिए रिलीज़ भी होना स्टार्ट हो चुके हैं यहाँ पे जूसेस। तो देखिए जी शायद ही आपको पूरे दिल्ली NCR में कोई ऐसी दुकान मिले जहाँ पे आपको फ्रेश पीटा बना के खिलाया जाए। आप देखिए यहाँ पे दो तवे लगाए इन्होंने रखे हैं और दोनों के दोनों तवों पे तैयार हो रही है फ्रेश पीटा ब्रेड। भाई ऐसी दीवानगी, इतनी साफ सफाई से, इतनी फ्रेशनेस से शायद ही आपको कहीं शॉर्मा खाने को मिले जो आपको द हंग्री मैन में मिलेगा। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पे जो पीटा है ना कॉन्टिन्यूसली दोनों के दोनों तवों पे 24 आवर बनती रहती है। यही खासियत है जी इस दुकान की कि यहाँ पे जो पीटा ब्रेड है जैसे शॉर्मा है वैसे ही पीटा ब्रेड भी 24 घंटे तैयार होती रहती है। बहुत ही लाजवाब इसका स्वाद, जायका और इतनी टेस्टी है इनकी पीटा ब्रेड भी कि बच्चे तो स्पेशली आके सिर्फ इनकी पीटा ब्रेड ही खा जाते हैं। तो भाई ये चेकअप करो कितने बढ़िया तरीके से यहाँ पे जो चिकन के जूसेज हैं वो रिलीज होना शुरू हो चुके हैं। मैं आपको थोड़ा सा क्लोजअप से और दिखाता हूँ यार, ये देखो कि कितने बेहतरीन तरीके से चिकन के जूसेज रिलीज हो रहे हैं, बढ़िया से मसाला जो है पक रहा है और भाई साहब मतलब सबसे ऑथेंटिक अगर मैं कहूँ ना कि मतलब बढ़िया अपने स्टाइल का, अपने स्वाद का अगर आपको शॉर्मा खाना है तो भाई आपको एक बार हंग्री मैन पे आके इनका शॉर्मा ट्राई करना चाहिए। देखो भाई
क्या बढ़िया से जूसेस रिलीज हो रहे हैं, क्या बढ़िया से मसाला रिलीज हो रहा है। और जब ये जाता है ना पीटा में सॉसेस के साथ, ओए होए होए, मुझे पता है आपके मुंह में कितना पानी आ रहा है ना मेरी बातों को ही सुन के और इसको देख के, लाजमी भाई आना भी चाहिए। ये देखिए ये चिकन है वो बढ़िया तरीके से यहाँ कुक हो चुका है और आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया यहाँ पे चिकन लग रहा है। सबसे खास बात पता क्या है कि ये ब्रेस्ट पीस है और उनके जरा जूसेस देखिए आप क्या बढ़िया तरीके से जूसेस जो है वो रिलीज किए गए हैं। अभी 5 किलो क्वांटिटी आप यहाँ देख रहे हैं ना, यकीन मानिए मतलब इतना समय से बनने में लगा ना चिकन ही जल्दी यहाँ पे सारे के सारे शॉर्मा ना बन के निपट भी जाएंगे। तो यहाँ देखिए चिकन हो चुका है कुक, अब हाफ चिकन को किया जाएगा कीमा। ऑब्वियसली जब इसको शॉर्मा जब इसको पीटा के अंदर भरा जाता है तो ये बिल्कुल मिंस होना चाहिए, तभी हर एक बाइट में आपको भरपूर वो फ्लेवर आएगा जो आपको चाहिए। अब आप देखें इन्होंने हाफ जो है यहाँ पे ले लिया है और अब इसको किया जाएगा बढ़िया तरीके से मिंस। देखिए जी फाइनली जो शॉर्मा है वो तैयार हो चुका है, पीटा तैयार हो चुकी है। अब आपको दिखाते हैं किस तरीके से इसको लगाया जाता है पीटा के अंदर सॉसेस के साथ और कैसे सर्व किया जाता है द हंग्री मैन का सबसे स्पेशल सबसे लोडेड सबसे जूसी ये चिकन शॉर्मा। तो देखिए एक एक करके सारी की सारी पीटा ब्रेड पे भी यहाँ लगाएगी मेयोनीज, क्योंकि ये फ्रेश पीटा तैयार की गई है और सब पे सबसे पहले लगाई जाती है मेयोनीज। तो ये देखिए अब एक एक करके सारी की सारी पीटा पे जो चिकन है वो यहाँ पे आना स्टार्ट हो चुका है और आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया क्वांटिटी के अंदर यहाँ पे जो चिकन है ना उसको फिल किया जाता है यहाँ इस पीटा बैट के अंदर। आप देखिए कैसे बल्क क्वांटिटी में यहाँ पे जो चिकन शॉर्मा ना वो तैयार होता है और उसके बाद इसको बेचा जाता है। तो ये देखिए जी किस तरीके से अब यहाँ पे शॉर्मा तैयार किया जाता है आपको मैं दिखाता हूँ कि आपने देखा कि पीटा के अंदर सबसे पहले मेयो आती है, उसके साथ में आती है यहाँ पे ये बढ़िया सी चिकन जो इन्होंने डाला और उसके बाद यहाँ पे इसे रैप करके आपको सर्व किया जाता है। 90 रुपीज़ के अंदर 1 पीस आता है और 180 के अंदर आपको 2 पीसेज ये सर्व किए जाते हैं बढ़िया शॉर्मा के। अब आपको दिखा दूँ किस तरीके से लगाई जाती है यहाँ पे शॉर्मा की प्लेट। ये 3 शॉर्मा है जो कि जाने वाले हैं इस बिग प्लेट के अंदर 90 रुपीज़ के अंदर 1 है 270 के आपको ये 6 रोल मिल जाते हैं। और इसके साथ जो चटनी जाती है जो सॉसी जाती है वो कैसी जाती है वो भी आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले इसमें आती है इनकी बहुत ही स्पेशल तंदूरी मेयो, ये देखिए ये आगे इसमें तंदूरी मेयो, उसके बाद आती है इसमें एक गार्लिक मेयो और उसके बाद आती है ये मिंट, ये देखिए। तो ये 3 तरीके की अलग अलग चटनी आपको दी जाती है जो आप इस शॉर्मा के साथ एंजॉय कर सकते हैं भाई। ये है द हंग्री मैन का स्पेशल शॉर्मा जो कि आपको सिर्फ इन्हीं के पास मिलेगा और अगर आप भी शौकीन हैं बढ़िया जूसी टेस्टी शॉर्मा खाने के तो आप आइएगा द हंग्री मैन गुड़गांव में, सब जगहों का स्वाद ना भूल जाना तो कहिएगा। तो भाई अगर आप खाना चाहते हैं वेजिटेरियन शॉर्मा तो उसका भी आपको यहाँ ऑप्शन मिलता है। ये है यहाँ पे पनीर शॉर्मा जो कि सेम प्रोसेस से तैयार किया जाता है, लेकिन यहाँ पे ऑफकोर्स ये पनीर रहता है चिकन की जगह और ये पनीर भी आपको मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ कितना बढ़िया लग रहा है। देखिए मसाले वाला चटपटा सॉफ्ट है मलाईदार है और जब ये जाता है पीटा के अंदर जो कि गार्लिक में ऑलरेडी डिप्ड है उसका स्वाद भाई बहुत बढ़िया हो जाता है। ये देखिए अब यहाँ से जो पनीर है वो जाएगा यहाँ इस पीटा पे जो ऑलरेडी आप देखेंगे कि लगना स्टार्ट हो चुका है। ये बहुत ही टेस्टी रोल कह लीजिए या फिर पीटा रैप कह लीजिए जो भी आप इसका नाम दे दीजिए, लेकिन इस बात की तो मैं आपको श्योरिटी देता हूँ ये इतना टेस्टी है ना कि जितना खास इनका चिकन है उतना ही बढ़िया इनका वेजिटेरियन भी है। तो वेजिटेरियन है तो आपके लिए है यहाँ पे ये पनीर वाला शॉर्मा। तो अब आपको दिखाता हूँ जो शॉर्मा है ना दरअसल वो 3 तरीके की अलग अलग चटनी के साथ दिया जाता है। ये है मिंट और दही की चटनी बहुत ही लाजवाब, उसके बाद यहाँ पे ये है गार्लिक मेयो ये देखिए और साथ में ये है इनकी सबसे स्पेशल तंदूरी सॉस जिसको हल्दी से तैयार किया जाता है। तो जी हंग्री मैन का जितना खास है शॉर्मा उतना ही खास है इनका ये प्लेटर भी। आपको मैं ये प्लेटर दिखा दूँ, थोड़ा सा पास आ जाओ मैं आपको प्लेटर दिखा दूँ। ये प्लेटर है जिसके अंदर आपको मिलते हैं ये चिकन के मोमोज क्रिस्पी, साथ में मिलते हैं चिकन पॉपकॉर्न, उसके साथ मिलते हैं चिकन के स्ट्रिप्स और उसके साथ रहते हैं चिकन के कबाब। ये पूरे का पूरा प्लेटर रहता है 300 रुपये का, 4 तरीके की अलग अलग चटनी जाती है, तंदूरी रहती है, मिंट मेयो रहती है, स्पाइसी रहती है और साथ में ये गार्लिक मेयो रहती है। ये पूरे का पूरा प्लेटर आपको मिलता है मात्र 300 रुपये का हंग्री मैन पे। इनका शॉर्मा तो खास है ही है, इनका ये प्लेटर भी आप ज़रूर ट्राई करना। तो जी मेरे हाथ में है दिल्ली NCR का सबसे बड़ा सबसे लोडेड ये चिकन शॉर्मा जिसका साइज आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा बड़ा है और ये बहुत ज़्यादा लोडेड है। लेकिन ये सिर्फ शॉर्मा नहीं सर्व करते, इसके अंदर है आप अगर थोड़ा और पास आएँ तो आपको देखेगा सलामी भी है, आपको देखेगा इसके अंदर चिकन स्ट्रिप भी है, इसके अंदर आपको देखेगा कबाब भी है और ऑफकोर्स चिकन शॉर्मा तो है ही है। ये सर्व किया जाता है 3 अलग अलग तरीके की चटनी के साथ जो कि रहती है तंदूरी, साथ में रहती है मिंट और साथ में दही की। ये है गार्लिक मेयो और इनकी जो सैलेड है ना जिसके अंदर बीटरूट है, कॉर्न है, गाजर है, साथ में कैबेज है, लेटस है और ये विनेग्रेट सैलेड रहती है, ये भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है और ये सबसे ज़्यादा लोडेड है और कहते हैं कि सबसे ज़्यादा जूसी भी। देखिए कितना लोडेड है, यहाँ देखिए चिकन जो है वो प्लेट में गिरना भी शुरू हो चुका है। तो आइए इसकी बाइट लेते हैं, एक बड़ी सी चंकी बाइट और आपको बताते हैं कैसा है इसका स्वाद। Thank you.
यकीन मानिए अगर आपने शोरमा बहुत सारी जगहों पे खाया ना, लेकिन अगर आप ढूंढते हैं सबसे बढ़िया, सबसे स्पाइसी, सबसे ऑथेंटिक और साथ ही साथ सबसे जूसी शोरमा ना, तो यही वो शोरमा है जिसकी आपको तलाश थी। अगर आपको ये खाना है, इनका एड्रेस मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। इनकी दुकान का नाम है द हंग्री मैन। सबसे खास बात इनके शोरमा की है, यहाँ पे आपको 24 घंटे शोरमा मिलता है। तो अगर आपका सुबह 8 बजे खाने का मन करे, दोपहर के 12 बजे खाने का मन करे, शाम के 6 बजे खाने का मन करे, तो आप द हंग्री मैन पे आके इनका चिकन शोरमा खा सकते हैं। बहुत टेस्टी है, बहुत जूसी है और हाईली रिकमेंडेड है। ज़रूर आइएगा, ज़रूर खाइएगा, बताइएगा कैसी लगी आपको मेरी रिकमेंडेशन। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक फॉलो नहीं किया, जल्दी से जाओ, पहले सब्सक्राइब कर लो और साथ ही साथ घंटी भी दबा देना ताकि आप तक हमारी नोटिफिकेशन पहुँच जाए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ये भी शोरमा पूरा अकेले खाने वाला हूँ और एक नई डेस्टिनेशन पर आपसे मिलने वाला हूँ। ताजा और स्वाद है, मज़ा आ गया। तो भाई अगर आप भी शौकीन हैं मोमोज़ खाने के, तो इनके जो ये बहुत ही जूसी और बहुत ही टेस्टी चिकन मोमोज़ है ना, जिनमें से जूसेस कैसे निकल रहे हैं आप देख सकते हो, आप वो भी ज़रूर ट्राई करना। इनके मोमोज़ का भी वाकई कोई जवाब नहीं है भाई। जी बिल्कुल, हम 24 घंटे यहाँ पे रहते हैं अवेलेबल सर, आप जब भी आइए, बट 2 बजे के बाद हमारा डाइनिंग नहीं रहता। अच्छा, हाँ जी। और क्या खास है आपके शोरमा में भैया? सर जूसियस शोरमा इन गुड़गांव दिल्ली नहीं, पूरे इंडिया का जूसियस शोरमा है हमारा। अरे क्या बात कर रहे हो, आप ट्राई करके देखना, गारंटी है मेरी। बिल्कुल, चिकन मखनी शोरमा है जी, चिकन कबाब शोरमा है, हंगरी मैन स्पेशल शोरमा है, वेज में सर सोया शोरमा है, पनीर शोरमा है। सोया में हम चाप यूज़ नहीं करते, ग्रैनुल्स यूज़ करते हैं। अच्छा। चाप वगैरह यूज़ नहीं करते उसमें। सेक्टर 49 है जी, सेक्टर 49 गुड़गांव और नियर पार्क हॉस्पिटल। और रोडियो लेन? हाँ जी, रोडियो ड्राइव। ठीक है जी, तो अगर आपको खाना है शोरमा तो आपको आना है द हंग्री मैन। नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर आइए और जरूर। थैंक यू भैया। थैंक यू।